जो मेरे सबसे प्रिय कवि हैं, पूरा हिंदुस्तान जिसे पूरी मोहब्बत के साथ सुनता है, जिनकी आवाज में खनक है, वो खनकती है तो गीतों में ऐसे लगता है कि उनकी गीतों की बहार इस पूरी महफिल को आबाद करने के लिए आए हैं। मैं चार पंक्तियों के साथ उनको आमंत्रित करता हूँ। हिंदी साहित्य के बड़े गीतकार होते हैं श्री शिव किशोर तिवारी खंजन जी। मैं चार पंक्ति किसी की उधार लेकर के पढ़ रहा हूँ, अगर पंक्ति ठीक लगे तो स्वागत में उनके ताली बजाएं। मैं पढ़ता हूँ कि नए कमरों में अब चीजें पुरानी कौन रखता है, बाबा कीजिए आइए कि नए कमरों में ये उदास हो जाएं। बस आप उदास मत होइए, बाबा करते रहिए, जुड़े रहिए कि नए कमरों में अब चीजें पुरानी कौन रखता है। अरे परिंदों के लिए कुंडों में पानी कौन रखता है, और तुम ही थामे रहे गिरती हुई दीवार को, वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन। सिर्फ पहले को आजाद हम हो गए, सिर्फ पहले को आजाद हम हो गए, खो गैया जीवन की आजादियाँ। सिर्फ पहले को आजाद हम हो गए, पता चलल कुछ देरी हवाएं चली, पता चलल कुछ देरी हवाएं चली, जिन में बसर करके बर्बाद हम हो। सिर्फ कहले आजाद हम हो गए। पहली गिरावट सौंपता हूँ, सुनिएगा। दादा बैठे हैं, आपके समय में और हमारे समय में परिवर्तन क्या हुआ है, निवेदन करता हूँ जी कि पहले उठकर सवेरे पितामात के, पहले उठकर सवेरे पितामात के, शीश चरणों में हम सब झुकाते रहे, शीश चरणों में हम सब झुकाते रहे, आज हम हो। सिर्फ कहले हम हो गए। और कुछ कड़वा होता हूँ जी, निवेदन करता हूँ जी कि सबसे बड़ा योगदान अगर संस्कार को देने का रहा है तो हमारी माताओं का, बहनों का रहा है। लेकिन अगर गिरावट भी आई है तो कहीं ना कहीं उनका भी इसमें योगदान है। निवेदन करता हूँ कि नारियां सीता सावित्री बनके सदा, नारियां सीता सावित्री बनके सदा, राष्ट्र की अस्मिता को सजोती रही, राष्ट्र की अस्मिता को सजोती रही, दीपिका और पिपासा तो आदर्श है, दीपिका और पिपासा तो आदर्श है, उल्लुओं के है उस राज हम हो। वाह जिंदाबाद, क्या बात है, पहले आजाद हम हो गए। ये चार पंक्तियां और होने के लिए मैं पढ़ता हूँ जी। मुझे विश्वास है कि पंडाल में खामोशी थोड़ी सी बची है वो भी टूटेगी। निवेदन करता हूँ कि भाई भाई मेरी प्रेम की भावना, भाई भाई मेरी प्रेम की भावना, राम लक्ष्मण भरत कृष्ण बलराम थे, राम लक्ष्मण भरत कृष्ण बलराम थे, सिर्फ पहले हम हो गए। और ये चार पंक्तियां सबसे अलग है और सबसे खास है। मुझे मैं निवेदन करता हूँ कि अगर इन पर आप समर्थन करिएगा तो दोनों हाथ उठा करके आगे
से पीछे तक पूरा समर्थन मांगता हूँ, एक मिनट तक की तालियां मांगता हूँ। अगर ना अच्छा लगे, मेरी बात का समर्थन न करने का मन हो तो खामोश रहिएगा, लेकिन जब करिएगा तो भरपूर करिएगा। चार बार क्या पता कि शुद्ध भोजन मिथ्या शुद्ध जीवन मेरा, शुद्ध भोजन मिथ्या शुद्ध जीवन मेरा, शाकाहारी सरलता का व्यवहार था, शाकाहारी सरलता का व्यवहार था। चाहिए सिर कहने को आजाद हम हो गए, सिर कहने को आजाद हम हो गए। हमारे देश में कुछ ऐसे पक्षी थे जिस देश से प्रदूषण को मुक्त करते थे, कहीं ना कहीं उनसे संस्कार भी जुड़ा था। आज वो गायब है, कुछ ना कुछ विसंगति इस देश में जरूर आई है। तब पंचा ने निवेदन करता था, स्वागत है पक्षियों में परसाथ की भावना, पक्षियों में परसाथ की भावना, ग्रंथ में उनका भी भारी परमार्थ था, ग्रंथ में उनका भी भारी परमार्थ था। आज इस गीत की अंतिम पंक्तियां, और आप अगर होगा तो एक आध गीत और पढ़ूंगा, वरना अपना स्थान ले लूंगा। अंतिम पंक्तियां निवेदित करता हूं, स्वागत है। आदमी आदमी से हुआ दूर है, सबसे बड़ी दूरी मनुष्य से मनुष्य की है। अगर हम चार लोग बैठे होते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा फोटो में भी वीडियो में भी कि लोग मोबाइल पर चैट किया करते हैं, आपस में कोई बातचीत नहीं करते। यहाँ भी देखिए हमारे कुछ साथी, खैर समैया जी के टोकते टोकते चैटिंग बंद कर दिए हैं, और नहीं तो अभी तक चैटिंग ही कर रहे थे। कभी सम्मेलन तो एक दो घंटे का है, हम लोग हजारों किलोमीटर से आए हैं, यहाँ से चले जाएंगे, फिर कहीं अगर आप नहीं सुनेंगे ढंग से तो हम लोग आगे जाकर के कहीं अलग ताली बजवा लेंगे, वो हम लोगों का रोज का काम है, लेकिन आपका आनंद जरूर कम हो सकता है। तब अंतिम पंक्ति निवेदन करता हूँ कि आदमी आदमी से हुआ दूर है, आदमी आदमी से हुआ दूर है, आचरण मानव का मजबूर है, आचरण आज मानव का मजबूर है। कल्पना के खन जन नहारत लिखे, कल्पना के खन जन नहारत लिखे, आज सीरी करात हम हो। सिर पहने फसकर के बर्बाद हम हो गए, सिर्फ कहने को आजाद हम। सुनिएगा एक गीत निवेदित करता हूं, हमारा भारतवर्ष महान था है और रहेगा। एक ओजस्वी ईश्वर के साथ मैं आपको जोड़ता हूं, निवेदन करता हूं, तीन मिनट आपके मांगता हूं। जब जब तक देश का जिंदा स्वाभिमान रहेगा, जब जब तक देश का जिंदा स्वाभिमान रहेगा, तब तक यहां मेरा भारत देश महान रहेगा। जब जब तक दुनिया में सृष्टि का विधान रहेगा, जब तक दुनिया में सृष्टि का विधान रहेगा, तब तक यहां मेरा भारत देश महान रहेगा। यह पावन देश है वीरों का, पावन देश है वीरों का, अलबेले मसत फकीरों का, ऋषि मुनियों की धरती है, संभ्रमदानियों की धरती है, सत्य पे जीते मरते हैं, तन वतन दान सब करते हैं, यमराज से लड़ती नारी है, भारती सत्य पर साई है, वो पंजा की मर्दानी है, लक्ष्मी।
रानी लक्ष्मीबाई का नाम एक ऐसा नाम है जो शायद प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अपनी आहुति जिन्होंने दी है। मैंने इस नाम को जहां जहां लिया है लोगों ने खड़े होकर इस नाम का अभिनंदन किया, आपने बड़ी खामोशी से निपटाया है। मैं फिर से वहां तक पहुंचने की कोशिश करता हूं, फिर से आपका समर्थन मांगता हूं कि यह पावन देश है वीरों का, पावन देश है वीरों का, अलबेले मस्त फकीरों का, ऋषि मुनियों की धरती है, समृद्धियों की धरती है, सत्य जीते मरते हैं, तन वतन दान सब करते हैं, यमराज लड़ी नारी है, भारती सत्य पर सारी है, पंजाबी मर्दानी है, सिंहासन की नारी है। वाह 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 वाह, करता हूँ पूरे बदन से दोनों हाथ खा करके आशीर्वाद मांगता हूँ, दो पंक्तियों पर मेरे यहाँ गिद्ध दहाड़ा करते हैं। जब तक सीमा और है विवीर जमान रहेगा, तब तक यहाँ मेरा भारत देश महान रहेगा। और ये देश जो राम को पूछता है तो रहमान की बात करता है। पूरे दुनिया में आप चले जाओ कोई ऐसा दूसरा देश नहीं मिलेगा जो राम की पूजे रहमान की बात करे। तब पंक्ति निवेदित करता हूं कि रहते हैं राम रहमान यहाँ, रहते हैं राम रहमान यहाँ, गीता है और कुरान यहाँ, गीता है और कुरान यहाँ, घनश्याम बावरी मीरा है, गागा कलम मस्त कबीरा है, ईसा मसीह भी प्यारा है, वहे उनका गुरुद्वारा है, बोलो ये गीत सब मिलते हैं, फूल प्रेम के खिलते हैं, मेरा राम तिरंगा है, धरती पावन गंगा है। वाह बहुत खूब, आखिर को क्या सोचता हूं फिर से मुखरित होइएगा कि है खड़ा हिमालय सीमा पर, है खड़ा हिमालय सीमा पर, है खड़ा हिमालय सीमा पर, है खड़ा फिर उसका पानी है, हिमालय सीमा पर, है खड़ा फिर उसका पानी है, सिंह के मेरे है बेरे हिंद है। जब बरकत करना श्रम किसान रहेगा, तब तक यहाँ मेरा भारत देश महान रहेगा। अंतिम पंक्ति इस गीत की निवेदन करता हूँ, स्वागत कुछ क्रांतिकारी का वंदन करता हूँ। आजादी अगर हमारे देश को मिली है तो हिंदू मुसलमान और सिख भाइयों ने आपस में मिलजुल कर ली है। मैं कुछ क्रांतिकारियों का वंदन करता हूँ, उनका नाम लेता हूँ और आपका भी अभिनंदन मांगता हूँ नामों के लिए कि ये है भारत वीर सुभाष। भैया 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 यही ठीक तो कुछ नहीं होगा, आपका होना था हो गया। यह भारत वीर सुभाष का है, जब भारत वीर सुभाष का है, जब बापू मोहनदास का है, जब अशफाकुल्ला का है, भारत माता है, अब्दुल वीर हमीद का है, हिंदुस्तान वीर शहीद का है, जब भूमि भगत से खड़ी है, चर्चा उनके माजरी है, जो वीर का बलिदानी है, कोई सानी है। और पढ़ता हूँ पूरे देश का समर्थन मांगता हूँ कि है नहीं क्षमता, है नहीं क्षमता, है नहीं से बोलो भारत माता की है नहीं लेखनी में क्षमता,
तक यहाँ मेरा भारत देश महान रहेगा, तब तक यहाँ मेरा प्यारा हिंदुस्तान रहेगा, तब तक यहाँ मेरा भारत देश महान रहेगा।